बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम नदीम पाशा। सर, कितने साल से आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं? सर, हमारी पैदाशी कांग्रेस, पूरा हमारा जितना भी खानदान था जी, अलाज अजीत सेठ साहब से भी उनके फॉलोअर सिंह में। तो आज आपकी ऑफिस के पास इतनी भीड़ है, इतने लोग जमे हुए हैं, क्या वजह है सर? हमारे सिद्धरामैया साहब का पेंशन है, एमपी इलेक्शन आ गया। हमारे तनवीर सेठ साहब हमारे को बोल रहे थे 1000 से 1500 आदमी 11 नंबर वार्ड से जमाना बोल के, इंशाल्लाह हमारे एरिया वाले अम्मा भाना भाइया सब मिल के पूरा 11 नंबर जितना भी वार्ड था 1000 1500 माशाल्लाह पूरे मुझे एक चाह को एक भई समझ को आपको जम के बाहर खड़ी। तनवीर सेठ साहब जो बोल रहे थे उससे ज़्यादा हमारे चाहने वाले आपको ही पेंशन है। यम लक्ष्मण कैंडिडेट एमपी का, अब मेरी गुजारिश है तीज क्या है, हमारे वार्ड नंबर को पूरे मिलकर कांग्रेस को वोट करना, सब मिलकर एक को एक साथ ले को हर एक एरिए से आजू बाजू वाले तुम्हारे खानदान वाले से पूरे हमें गुजारिश है पूरे वट वगट होकर कांग्रेस को हद से ज़्यादा तुम्हें वोट डाल को बड़े तहदा से तुम्हें हमारे लक्ष्मण साहब को तुम्हें जिताना। यहाँ एन्नार क्षेत्र पूरे देश में मुसलमान से मैं गुजारिश करता हूँ एक को एक वायरल करो ये वीडियो, पूरे कांग्रेस को सपोर्ट करो, कांग्रेस को वोट डालो, हुकूमत कांग्रेस के आना बहुत ज़रूरी है, मोदी को जड़ से उखाड़ को भिड़काना बहुत ज़रूरी है। तुमने मालूम कांग्रेस आने से बहुत गरीबों का फायदा है इसके अंदर, 5 स्कीम जो सिद्धरामैया साहब ने जो वादा किया था वो पूरा किया, अब भी बहुत से फायदे होने के ही तुमने बहुत दिल से गहराई से तुमने रिक्वेस्ट करता हूँ कांग्रेस को प्लीज़ वोट करो, तुम्हारे जितने भी आजू बाजू पड़ोस खानदान के जितने भी बोल को तुम्हें कांग्रेस को बड़े तैदार से तुम्हें जिताना, कांग्रेस को नेक्स्ट बीजेपी नहीं आना, वही साथ में मोदी को जवाब देना सब मिलकर। सर, अक्सर देखा गया है कि जो है ऐसे प्रोग्राम्स में लोगों को जो है पैसा देकर जो है वहाँ पे जमाया जाता है, तो आपकी ऑफिस के पास जो मैं भीड़ देख रहा हूँ, क्या ये लोग क्या वजह से इतने आदमी आपके पास आए हुए हैं? सर, मुदस्सिर भी ये पैसा ना आको ही सो, मेरी मोहब्बत में आको ही सो, मुझे रात के 3 घंटे रात को भी क्या काम होना, आधी रात को फोन किया तो मैं भाग को जाता हूँ हमारे अम्मा भाना के वास्ते मेरे भाइयों के वास्ते, इन्हों पैसा को आको नहीं, इन्हों पैसा के ना चाहत मोहब्बत की आवाम है सो 11 नंबर में, इंशाल्लाह अब भी ज़्यादा भी आ सकती, जितने हमारे तनवीर सेठ साहब बोल रहे थे उससे ज़रा ज़्यादा जमगी, लेकिन ये पैसा के वास्ते कोई भी आको नहीं है, मैं 1 रुपया किसी को भी दे को बुला को नहीं, मेरी चाहत मोहब्बत से आको हूँ सर, इनशाला उन्हें बहुत खुशी भी मुझे तजमे आई सो देख को क्या काम भी रहते हैं, आधी रात को भी ये स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर डाल को छोड़ो, कभी भी क्या बात से रहते हॉस्पिटल का रहते शादी से रहते क्या इससे भी मुझे फोन कर रहे, इनशाला मेरे हाथ से क्या होता मैं करता हूँ अल्लाह की जात को। क्या समाज सेवा करके ही सर आप थोड़ा बताओ? अब वो अजमेर में बोलने नहीं होता फिर भी मैं बोला होता हूँ, हर शादिया में मैं हेल्प करता हूँ, लेकिन अल्लाह की जात करारे सो मेरा क्या भी नहीं है, अल्लाह मुझे भेज को सो जा मैं तुझे दे रहा हूँ आवाम के वास्ते कर कर लो, मेरे हाथ से कितना होता मैं अपनी खिदमत कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मेरे हाथ से नहीं हुआ मेरे चाहने वाले दोस्त ही उनका ना भीख मंगो हमारे एरिया वाले के वास्ते मैं करता हूँ। तो ये ऐसे क्या काम हो को ही सर बताओ सर, मैं ऊपर वाले ने आपसे क्या काम ऐसा लिया है थोड़ा बताओ? मैं शादियां करा के हूँ उसका प्रूफ होना तो भी फोन भी आपको पूछे मैं देता हूँ उनके घर वाले को लल्ला खड़ा डालता हूँ, हॉस्पिटल का जो है हॉस्पिटल में बिल कम कराने से हो जो मजबूर आदमी को जो है मेरे हाथ से मैं कर कोई भी हूँ, और राशन रंधे ये रंधे हर एक चीज़ करी वो सब दिखाना नहीं हुआ, वो आवाम को मालूम मैं क्या कर रहा हूँ कल को वो मोहब्बत में चाहो कल आज जुड़ी सो आदमी आज समझे मैं करको रहने में अच्छा काम या अच्छा आदमी करने में आको ही सो ये पैसा के वास्ते आको नहीं। सर, आने वाले दिनों में जो है क्या सर आप जो है कुछ कॉरपोरेशन वगैरह के लिए कोशिश कर रही है? नहीं, इंशाल्लाह कोशिश तो मैं कर रहा हूँ, अल्लाह की जात पर भरोसा है हमारी अवाम है, इंशाल्लाह ज़रूर अवाम मेरी कामयाब करती है मुझे भरोसा है इंशाल्लाह। तनवीर सेठ साहब से भी गुजारिश करको हूँ इंशाल्लाह मेरी नसीब में रहा इंशाल्लाह इलेक्शन को फटता हूँ। सर, अगर आप जो है आने वाले जो मैसूर सिटी के कॉरपोरेशन के इलेक्शन में आप
आपको अवाम ने जो है चुन लिया, आपको लोगों ने चुन लिया, तो भी क्या आपका जो रवैया है इसी तरीके का रहेगा? मुदस्सिर भी बगैर अहदे के मैं अवाम को वक्ता कर रहा हूँ, अल्लाह मेरे से करा रहा, लेकिन अहदा मिलेगा इंशाल्लाह, पूरा एरिया डेवलपमेंट करो, इम्प्रूव कर डालता हूँ। तो अभी जो है आज का जो प्रोग्राम होने वाला है, कितने लोग जमा होने की उम्मीद है सर? 1000 के ऊपर जम के ही ऑलरेडी बाहर है तुम्हारे तरफ से, यार रसूलल्लाह मस्जिद कने, तुम्हारा शिवना सर्कल कने, शामिना पिंडल सब दिला के किया, तो धूप बहुत है इधर, उनको पानी का इंतजाम करके उधर पूरे उनको रुका के हूँ। अब 6 बजे हुए तो पूरे ऑफिस के अंदर जम जाती है, ऑफिस के बाहर इंशाल्लाह पूरे मिलकर निकलते, 1000-1500 आदमी ही पूरे निकलते हैं। तो वहाँ पूरे कितने लोग जमा होने का अंदेशा है? मैक्सिमम 15 से 20 हज़ार आदमी जमते हैं उधर, जमने का अंदेशा है वहाँ पे सर। और जो है आप जो कैनवासिंग वगैरह के लिए जा रहे हैं, जो कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए आप कैनवासिंग कर रहे हैं, क्या लोगों का क्या कहना है सर? क्या लोग जो है इससे खुश हैं क्या सर? 100% क्यों, तो अलाज तनवीर सेठ साहब के पूरा चाहने वाले 600 वोट डिवाइड होने की चांसेस नहीं है, पूरे खून के जात पात क्या भी नहीं है हमारे एनआर क्षेत्र में, पूरे हम वगट्ठी, पूरे वगट्टा की से हमें भरपूर वोट डाल के अच्छा लीडिंग से जिताती है हमें, ये उम्मीद है आप 100%। आने वाले दिनों के लिए हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ में है। केवी न्यूज को बात करने के लिए आपका धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया मुदस्सिर जी। आज वार्ड नंबर 11 में जो है यहाँ पे पूरे नदीम की ऑफिस के पास से पूरे जो वार्ड के लोग मिलकर जो है काम पे जा रहे हैं, क्या हो रहा है बताओ। ये हमें पूरे मिलको, अस्सलाम वालेकुम, हमें पूरे मिलको नदीम भाई की वार्ड से, 11 नंबर वार्ड, अजमल भैया की वार्ड से सुहेल भैया और जहीर भैया, उनकी जानिब से हमें जा रहे हैं। हमें हमने सबको राशन से लेकर हर एक बात से सपोर्ट है उनसे, उस तो आने वाले दिनों में इनको नदीम भाई को भी जरा सपोर्ट करना, हमें हमें सपोर्ट कर को ये करना, डीके शिवकुमार के सब फैंस फॉलोअर्स इन सब, और हमें तनवीर सेठ नगर आरिंग कर को बोल को हमें जा रही हूँ, पूरे जिले सिद्धरामैया आरिंग कर को उनको उनके सब हमें फॉलोअर्स है, हमें आते सो दिना में हमें उनको सपोर्ट करना, उनको सपोर्ट कर को कांग्रेस को। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಹೇಶ್ವರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮಹೇಶ್ವರಿ ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ವಾಸ ರಾಜೀವ್ನಗರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಅಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನದೀಮ್ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ, ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ರ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನದೀಮ್ ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದ ಕಾರಣ MP ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರೋ ಕಾರಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಜನತೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ವಾ?